रखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। धनबाद के जोला पोखर से वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया शूटर शेरू खान, गैंगस्टर फहीम खान के लिए करता है काम। ऑनलाइन पढ़ाकर ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध, धनबाद में डीएवी कोयला नगर में छात्रों ने किया हंगामा। रामगढ़ में चोरों का आतंक, कार का शीशा तोड़ उड़ाए व्यवसायी के 3 लाख रुपए, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि, कोलफील्ड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने की केंद्र से एक्साइज और कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग। धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीएड 4th सेमेस्टर की छात्राओं को दी गई विदाई। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज इलेवन भारत और हाजिर लेकर अपना कोयलांचल करेंगे। अगले आधे घंटे तक कोयलांचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी हम खबर की चर्चा, तो बढ़ते खबरों की ओर, बड़ी खबर की ओर। हेडलाइंस के बाद धनबाद से बड़ी खबर, वाहन चेकिंग के दौरान यहां पर पकड़ा गया शूटर शेरू खान, गैंगस्टर फहीम खान के लिए करता है काम। वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो में पकड़ा गया है ये शूटर शेरू खान, जोड़ा पोखर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, कई मामले का आरोपी है ये शेरू खान। तो बड़ी खबर धनबाद की आज की, और इसको लेकर लगातार पुलिस की ओर से दबिश देने की कोशिश की जाती रही है, और आखिर में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक जाल बिछाया, रणनीति बनाई और शेरू खान को पकड़ ही लिया। फहीम खान की गैंग के लिए ये काम करता रहा है शूटर, और कई मामलों में आरोपी है ये शेरू खान। तो धनबाद के डीएवी कोयला नगर स्कूल प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने की अधिसूचना के विरोध में 11वीं और 9वीं क्लास के छात्रों ने स्कूल गेट पर पहुंचकर हंगामा किया और प्रिंसिपल से मिलकर अपना पक्ष रखने की मांग की। स्कूल प्रबंधन ने स्थानीय थाना पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में स्कूल में बहुत सारे सुरक्षा के जवान आ गए और पुलिस छावनी में तब्दील हो गया यह स्कूल। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो परीक्षा भी तो ऑनलाइन होनी चाहिए। उन्हें प्रिंसिपल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, ये आरोप भी लगाया छात्रों ने। थे कि हम लोग कंसेंट पेपर पे पेरेंट्स साइन करेंगे, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चा ऑफलाइन एग्जाम दे वो आ करके देंगे, जिनके नहीं चाहते वो, किसी के घर में सर डायबिटीज पेशेंट है, यहाँ अगर किसी को कोविड हो गया घर में जाकर के, वो कितना वायरल डिजीज है ये सबको पता है, वो फैलेगा फिर क्या करेगी हम लोग, फैमिली क्या करेगी। हम सब पास हो जाएंगे, यहाँ पास होने की बात नहीं हो रही, जब COVID-19 किसी को होगा तो उसका जिम्मेदारी स्कूल लेगा। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पापा यहाँ पे 5 दिन आकर हमको एग्जाम नहीं दिलवा सकते हैं, यहाँ कौन 5 दिन फिर लॉस देगा, नहीं देगा। किसी को कुछ होता है, हेल्थ इशू हो रहा है ना, पढ़ाई तो अलग बात है, हम लोग पास होने लायक है, इतना भी कोई घटिया स्टूडेंट नहीं होता कि जो पास नहीं हो सकता। 23 नंबर ऐसा नहीं कि कोई नहीं ला सकता, पर हेल्थ इशू यहाँ पे वो एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं सब मिलकर के डिसाइड करती है, वो अलग बात है। लेकिन जो एग्जामिनेशन किसी पे फोर्सफुली हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बात दिए हैं कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस, हमारा जो डिसीजन होगा CMC का, वही हम लोग फॉलो करेंगे। बस हम लोग बाउंड है CBSE और CMC, ये दोनों से हम लोग बंधे हुए हैं, इन दोनों का जो भी डिसीजन होगा हमें वही लेकर के फॉलो करना है। कोई गारंटी नहीं है, आपके ऊपर कोई जोर नहीं है, इन बच्चों ने जो बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर हम लोग कंडक्ट कराते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन, जो बच्चा
तो धनबाद में कर्मचारियों और पीडीएस डीलरों की मिली भगत से गरीबों का राशन तो खाया ही जाता है, बहुत से रसूखदार लोग गरीबों के लिए बनने वाले लाल कार्ड भी खुद बनवा लेते हैं और उनके अधिकार भी खा जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए जिन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलता वो लाभ वो खुद ले लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पूरे जिले में करीब 25,000 बताई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है धनबाद जिले की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था। जिले में कोई व्यक्ति भूखा न रहे और इसके तहत वैसे लोगों को सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाल कार्ड दिया गया है, लेकिन इसका लाभ हजारों की संख्या में वैसे लोग भी उठा रहे हैं जो इसकी अर्हता नहीं रखते। यानी ऐसे लोग लाल कार्ड से आच्छादित हैं जिनके पास अपना मकान भी है और चार चक्का वाहन भी, और इस वजह से इसका सही लाभ उन लोगों तक नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इस फर्जीवाड़े में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ ही पीड़ित दुकानदारों की मिलीभगत भी सामने आती रही है, जो इन फर्जी राशन कार्ड से बचे राशनों की कालाबाजारी कर अपनी जेबें भरते रहते हैं। हाँ, सक्षम लोग जो स्कॉर्पियो से चलते हैं, जिसके घर में 8 चक्का, 4 चक्का, 10 चक्के की गाड़ी है, वो अभी कार्ड बना करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और वो राशन का पीडीएस दुकानदार मालामाल हो रहा है। जो पीडीएस दुकानदार धनबाद जिले में कम से कम 25-30 हजार से कम नहीं होगा, जो सक्षम लोग कार्ड बना करके, चाहे वह बीपीएल के आधार पर स्कूल में नामांकन का मामला हो या और बहुत तरह का मामला हो, सारा सुविधा ले रहा है, स्वास्थ्य संबंधी, इलाज संबंधी सारा चीज लेकर के। एडीएम साहब से मेरा प्रार्थना है यहाँ के लोगों के तरफ से कि इस पर यथाशीघ्र कड़ाई से कार्रवाई किया जाए। जिला प्रशासन ऐसी फर्जी राशन कार्ड की सूचना के बाद पहल करते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। डोर टू डोर सर्वे कराएंगे ताकि पता चल सके कि कितने अयोग्य लाभुक इसका फायदा उठा रहे हैं। जो सोचना है कि बहुत धनाढ्य हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, गाड़ी हैं, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में प्रावधान है कि उनको एक समय दिया जाता है, या तो वो सरेंडर करें, अन्यथा समय पार हो जाने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस मामले में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने अपनी जाँच भी आरम्भ कर दी है और इसके तहत पहले 17 फरवरी तक की तिथि निर्धारित कर वैसे सभी लोगों से अपना लाल कार्ड सरेंडर करने को कहा गया था जो इसकी अर्हता नहीं रखते हैं। लेकिन निर्धारित तिथि तक मात्र 464 लोगों ने अपने फर्जी कार्ड को सरेंडर किया, जबकि लगभग 25,000 के करीब जिले में ऐसे फर्जी लाल कार्ड धारकों की संख्या है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए एडीएम ने डीसी से 5 टीमें गठित करने का अनुरोध किया है ताकि डोर टू डोर सर्वे कराकर अक्षम लोगों की पहचान की जा सके और फिर उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। नाम सहित दुकानदार दुकान वाइज जब नाम सहित लिस्ट जब जिला वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी या पब्लिक हो जाएगी तो बहुत सारी शिकायतें खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। तो जांच दल का पहला काम होगा कि इन शिकायतों पर ही जांच कर लें और उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे कि वार्ड वाइज वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। वार्ड आपूर्ति विभाग से जिले के सभी लाल कार्डधारियों की सूची भी मांगी गई है ताकि उनका नाम जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, जिससे फर्जीवाड़े की शिकायत स्वतः आने लगेगी। तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 17 फरवरी तक का समय दिया गया था कि जो भी ऐसे फर्जी कार्डधारी हैं स्वेच्छा से वापस करना चाहते हैं तो वापस कर दें, अन्यथा फिर डोर टू डोर सर्वे करके जांच शुरू की जाएगी। इसमें 464 लोगों ने अभी तक वापस किया है और अगर आप आकलन देखें, अगर प्रति परिवार 5 व्यक्ति भी मानते हैं तो इससे लगभग 55 लाख रुपए का सरकारी राशि की प्रतिवर्ष बचत होगी। बहरहाल फर्जी राशन कार्ड धारियों पर प्रशासन की देर से शुरू हुई कार्रवाई जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद तो साबित होगा ही, साथ ही साथ सरकार को भी सालाना करोड़ों की राशि की बचत हो जाएगी और इस मामले की जांच से धनबाद में नहीं बल्कि गंभीरता से राज्य के सभी जिलों में होनी चाहिए ताकि फर्जी लाल कार्ड धारकों को पहचाना जा सके जो सरकार को अरबों का चूरा लगा रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी ताकि सरकार के साथ साथ गरीबों का भी भला हो सके। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। कोलांचल की बहुत सारी खबरों को दिखाएंगे आगे, लेकिन इस बीच रांची से एक बड़ी खबर आ गई है। डीजीपी नीरज सिन्हा को मिला है एसीबी का अतिरिक्त प्रभार। हाल ही में एमवी राव की जगह बनाए गए हैं डीजीपी
1987 बैच के कैडर है नीरज सिन्हा, तो डीजीपी के साथ साथ उन्हें अब एसीबी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो का। और उम्मीद की जा रही है कि जब दोनों पावर एक साथ होते हैं तो उसके बाद शायद जो भ्रष्टाचारी है, जो करप्शन है, उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि नीरज सिन्हा को एक लंबा अनुभव है, लंबी पारी वो खेल चुके हैं पुलिस विभाग में तमाम पदों पर। वैसे भी एक और जिम्मेदारी डीजीपी के साथ साथ एसीबी का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में टाटा क्वार्टर में रहने वाले केशव नंद चटर्जी के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घर से सभी लोग राउरकेला गए हुए थे और खाली घर देखकर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। घर की देख रेख का जिम्मा जिसे दिया गया था उसी ने फोन पर बताया कि घर में चोरी हो गया है। बाद में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। फिलहाल केयरटेकर से पूछताछ की जा रही, क्योंकि पुलिस को जो शक है केयरटेकर पर ही है। घर छोड़ करके किसी के जिम्मे पर, तो अभी आ जाए आए हैं सुबह, उसके बाद देखें कि ताला टूटा नहीं लेकिन घर का चोरी हुआ है, सब सामान बिखरा पड़ा है। गढ़वा पुलिस ने भी चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि कांडी थाना क्षेत्र के 3 गांव खुठेरिया, गोसांग और खरौंदा में चोरी हुई थी, जिस मामले में पुलिस को चोरों की तलाश थी। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर ली गई है और पूछताछ के दौरान सभी ने चोरी की बात कबूल करते हुए वो सामान जो उन्होंने चोरी किया था वो वापस कर दिया है, उनसे बरामद किया गया है। और साथ ही साथ इनके निशानदेही पर बाकी जो इनका गिरोह है उनको भी चपेट में, उनको भी कब्जे में लेने की कोशिश। में जुलाई माह से 3 गृह भेदन के मामले हैं, उसका उद्भेदन किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 4800 रुपये, साथ में 22 मोबाइल विभिन्न कंपनियों के और 490 ग्राम चांदी बरामद किया गया है। इन लोगों ने अपनी 3 कांडों में संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें से एक गोसांग, एक खुठरिया और एक खरौंधा में पिछले वर्ष गृहभेदन की घटना हुई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर धनबाद कोलफील्ड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहिए, साथ ही झारखंड सरकार से भी वैट में कमी करने की मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल और असम की सरकार ने अपने अपने राज्य में 5% वैट कम करने की घोषणा की है, ऐसे में झारखंड सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। कि वो अपने टैक्स में कटौती करें, जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसमें कटौती करें। हमारी राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसी अनुपात में इनका वैट में भी वृद्धि हो जाता है। जब झारखंड सरकार का गठन हुआ था तो उस वक्त 10 रुपया था 1 लीटर डीजल के ऊपर में टैक्स झारखंड का, और आज प्रति लीटर 15 रुपये हो गया। मतलब एक वर्ष के अंदर में सिर्फ झारखंड में स्टेट टैक्स 5 रुपये लीटर बढ़ गया। तो कम से कम ये अपने दायरे का, जो इनके दायरे का चीज़ है, इसमें ये कटौती करें। जिस प्रकार बंगाल सरकार ने घोषणा किया है, हालांकि वहाँ चुनाव है, चुनाव के मद्देनज़र वहाँ घोषणा हुआ है, असम में 5 रुपये लीटर की कमी की गई। असम में अभी 10 दिन पहले 5 रुपये प्रति लीटर टैक्स की कटौती की गई। तो कम से कम झारखंड सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि इधर गिरिडीह में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने नई जिला कमेटी की घोषणा की। मौके पर पूर्व विधायक निर्मल शाहबादी समेत कई नेता मौजूद रहे। और जितने भी हमारी और इस कमेटी में 20+1 में हमारे 20 कार्य समिति के सदस्य हैं, उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य है। इसके साथ साथ 3400 मंडल का मंडल अध्यक्ष का भी घोषणा कर दी गई है, जो किसान हित की बात करते हैं, जो धरने पर बैठे हैं, कृषि बिल पर वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, तो स्वाभाविक रूप से अगर उसमें गलती है तो आपको बतानी चाहिए कि भाई इस बिल में ये त्रुटि है,
आप अगर उसको नहीं बताते तो देश को भरमाने का प्रयास, देश को गलत दिशा में। दरगोमिया स्थित बैंक मोड़ के पास डीवीसी की जमीन पर निजी अस्पताल का कचरा फेंका जा रहा है। मुख्य सड़क के किनारे होने के बावजूद इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि अस्पताल के अपशिष्ट से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खुले में फेंके गए कचरे से आम आदमी के साथ ही जानवरों में भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इस बारे में बेरमो एसडीएम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। निरसा के 11 कुंड प्रखंड के क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रखंड प्रमुख प्रिया कुमारी ने बताया कि पिछले 8 महीने से पंचायत समिति के सदस्यों को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिली है, जिसके कारण क्षेत्र में विकास का काम पूरी तरह से रुक गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के पदाधिकारियों से फोन पर बात करने पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, वहीं राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी अब इनकी ओर से दी जा रही है। 15वां वित्त आयोग लगभग 8 से 9 महीने हो गया हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का प्रखंड में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। बाकी प्रखंड में सारा काम हो गया है और अभी सेकेंड अमाउंट आने का भी टाइम हो गया, लगभग सेकेंड अमाउंट भी आ गया, लेकिन अभी तक हम लोगों के प्रखंड में अमाउंट का अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग अभी कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग अभी विकास कार्य में भी दिक्कत आ रहा है। इस बारे में हम लोग जिला में बात किए डीपीएम से, तो वो भी आजकल करके टालमटोल कर रहे हैं, मैम आज हो जाएगा कल हो जाएगा, और रांची में भी हमारी बात हुई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज इलेवन भारत पर अपना कोयलांचल खबर। रामगढ़सारी जहां पर चोरों ने कार का शीशा तोड़कर 3 लाख रुपए उड़ा लिए। कोयला व्यवसायी निरंजन प्रसाद की कार थी और कार को निशाना बनाया चोरों ने। एक्सिस बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर ये व्यवसायी आ रहे थे और बैग में उन्होंने रखा था। IDBI बैंक की शाखा में चेक जमा करने गए थे, इस दौरान चोरों ने कार का शीशा तोड़ा और रुपया लेकर फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले मेन रोड में चोरों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास के तमाम जो सीसीटीवी है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। दो तीन दिन पहले से कोयला का पैसा जो है पेमेंट और गाड़ी का लोडिंग, हम जो है कोयला का व्यापार करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, और हमारा पैसा दो तीन दिन से ही हमारे पास पड़ा हुआ था करीबन 1.5 लाख रुपया पीछे से मेरे बैग में, और आज हमने एक्सिस बैंक से निकाला 1.5 लाख रुपया और अपने बैग में रखा और IDBI ब्रांच के सामने अपना कार पार्किंग करके हम ऊपर चढ़े चेक जमा करने के लिए। दो चेक हमको मिला हुआ था IDBI ब्रांच का, तो वो हम जमा करने के लिए गए और गाड़ी में हमारा जो है कि दोस्त बैठा हुआ था, तो बोला कि आप जमा करके आओ, हम रहते हैं। उसी दरमियान में वो कहीं उतर के चला गया और 10 मिनट के अंदर ये घटना। तो बरी के चौपारण स्थित गौतम बुद्धा वन क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने प्रशासन के सहयोग से छापेमारी करते हुए 6 अवैध आरा मशीन समेत एक ट्रैक्टर और एक जनरेटर जब्त किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डीएफओ अविनाश चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में अवैध लकड़ी का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी इस अवैध धंधे में शामिल है जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। हजारीबाग में वुमेन्स कॉलेज में प्रशासनिक भवन के पहले तले और गर्ल्स कॉलेज रूम और शिक्षक सदन का उद्घाटन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मुकुल नारायण देव और कई पदाधिकारियों ने किया। इन भवनों के उद्घाटन से उच्चतर शिक्षा में वुमेन कॉलेज के छात्राओं को काफी लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया विजन NVCT IIT ISM धनबाद के मेक इन इंडिया अभियान के तहत छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए धन्यवाद दिया।
आइस स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 आविष्कार का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड राज्य के स्कूली छात्रों के लिए आयोजन एक अंतर विद्यालय चुनौती होगा। इसका मकसद अपने नवोदित स्तर पर प्रतिभाशाली दिमागों का पोषण करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है और हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उसी चीज के मद्देनजर हम लोग का इंस्टीट्यूट की तरफ से ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्कूली बच्चों को कि आपके अंदर में जो विचार है उस विचार को बाहर लाइए और सोसाइटी को नेशन को कुछ नया प्रोडक्ट बना के दीजिए सो देट कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक पूरे झारखंड स्टेट से 140 स्कूल्स ने रजिस्टर करवा चुके हैं और अभी हमारे पास टाइम है, 28 फरवरी तक हमारा लास्ट टॉप 10 हो रहे हैं, उनसे जो हमारा जो स्टेट चैंपियन हो रहा है उनको हम लोग 1,00,000 की राशि प्रदान कर रहे हैं और जो रनर्स अप हो रहा है उसको फर्स्ट रनर अप उसको हम लोग 75,000 दे रहे हैं एंड सेकेंड रनर अप। गिरिडीह में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए सरकार गंभीर है, साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम भी लगातार विकसित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। धनबाद के सीजुआ स्टेडियम में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सप्ताह के दौरान बीसीसीएल एरिया 12 को कई पुरस्कार मिला। इस कारण दहीबाड़ी परियोजना में हुई कामयाबी से खुशी का माहौल है। इस मौके पर परियोजना पदाधिकारी ए के बाग ने मजदूरों के साथ खुशी जाहिर की। उन्होंने उपहार का श्रेय मजदूरों को देते हुए कहा कि अगले वर्ष भी अच्छा कर उपहार के भागीदार हम सब बनेंगे। एक प्राइज मिला है दमागुड़िया कोलियारी को एवं एक कंपटीशन हमारा हुआ था आपका सब स्टेशन तो एरिया को हमारा सम्मान मिला है। ये आपका यहाँ का जो टीम है वो इनोवेशन कारों के तेतरिया डी में पूज्य तपस्वी जयंत मुनि सेवा ट्रस्ट ने मुफ्त आई जांच का शिविर लगाया जिसमें गांव के लोगों की आंखों की जांच की गई। बता दें कि बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप के माध्यम से क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में ये नेत्र जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मोतियाबिंद के रोगियों का ऑपरेशन रांची के मेडिकल अस्पताल में कराया जाएगा। एक निशुल्क आई कैम का प्रपोजल मेरे पास आया था, ऑर्गेनाइज कराना था। हम लोग ने विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग तिथि पर कैंप लगवाया है। आज जरेडी प्रखंड की बारी थी, कल चंदपुरा की है, उसी के बाद प्रेटरवार और बेरमो प्रखंड भी होगा। हम लोग गांव से जो बुजुर्ग हैं उनको निकाल के यहाँ पे आई कैंप लगवा रहे हैं जिसके तहत सेलेक्ट करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा और पूरे बेरमो विधानसभा। गिरिडीह में स्वास्थ्य समिति ने मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएस डॉक्टर उपेंद्र दास और तमाम लोग मौजूद रहे। ये दोनों बार ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू हुआ। इसमें जो कोरोना काल में बच्चे लोग छूट गए हैं या गर्भवती माताएं लोग छूट गई हैं। गोला के चितरपुर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में स्वर्गीय ऋजुनाथ चौधरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी सुनीता चौधरी ने किया। मौके पर सांसद ने बल्लेबाजी भी की। बार बार कमेटी आग्रह करती है कि आप लोग मंच के सामने से तो धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें बीएड के फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को बधाई दी। वहीं फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राओं का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में विरोध बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद हैं। इस दौरान कुलपति ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। का आयोजन किया जा रहा है। 2018 से 2020 के जो बैच के जो विद्यार्थी थे उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को हमारे जूनियर्स ने बेहद ही सफल बनाया है और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। 2 साल के इस कार्यक्रम का और जो 2 साल का जो दौर रहा कैसे बीत गया यह पता ही नहीं। हमारे बीसी सर है, फर्स्ट लेडी ऑफ BBMKU अंजनी मैम है
एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, डीन ऑफ एजुकेशन है और एचओडी ऑफ एजुकेशन है। और अपना कोलांचल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ीलैंड भारत और सोशल मीडिया के जरिए कर्म से कनेक्ट होते रहे झारखंड से हर पल अपडेट। नमस्कार।